हो रहा है यार गाइस, कुछ बताओ मेरे बालों के लिए, मैं क्या करूँ अपने बालों में। फ्लफीनेस सी हो रही है, पता नहीं मतलब फन अभी तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं और मम्मी जा रहे हैं मुजनपुरा मार्केट। मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से कपड़े पहने, थोड़ा शूट वूट भी हो जाएगा। और मैं जस्ट अभी नहा के आई थी, क्या मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं। फिर मम्मी कह रही है चल चल, तो फिर मैंने सोचा कि चलो गाइस, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग घर से ही करते हैं। मम्मी को लेकर आनी है स्लीपर्स और देखते हैं कुछ छोटा मोटा कुछ सामान। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल लिपस्टिक लगाई थी पिंक कलर की। और गाइस अभी मेरा भाई आ रहा है जिसने हेयर कट करवाया हुआ है, देखते हैं इससे कैसा हेयर कट करवाया। आइए देखते हैं। भाई यहाँ पे तो दाढ़ी देख गाइस, उसकी दाढ़ी मूछ आज इसने नया हेयर कट करवाया है। और नया टीका भी लगा ले, बहुत सुंदर लग रहा है। नई वाली बियर्ड भी कटवाई देख ले। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा लग रहा है। मेरा लड़का को बहुत मैं प्यार देख रही थी मैं इसको। अब जरा प्यार तो कर लो, अब प्यार कर लो, तेरे को चुम्मी ले देते चुम्मी तो ले। तो गाइस चलिए हम चलते हैं। जैसे हम लोग निकल चुके हैं, हम पहले जाएंगे भजनपुरा, फिर हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है रिलायंस। अब मम्मी लेके आई है स्कूल बस था, मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं पकड़ूंगी। इसके अंदर दो तीन थैले और हैं। और गाइस धूप के साथ साथ बारिश आ रही है। किसकी शादी मतलब होती है ऐसे में, किसी की शादी होती है किसकी होती है तो गाइस ऐसे में लोमड़ी और कुत्ते की शादी होती है। क्या ये कहावत आपके में भी है? तो आप कमेंट हमारे पाने में तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो बताने में भी हंसी आ रही है, आपको तो सुनने में और भी ज़्यादा गाइस मतलब हंसी आएगी। और गाइस मैं नाश्ता वाश्ता कराए हैं, अब हम चल रहे हैं गाइस। गाइस हम लोग आ चुके हैं भजनपुरा मार्केट। मौसम अजीब सा ही हो रहा है, धुंधला धुंधला टाइप का सा। और मार्केट अभी प्रॉपर खुली नहीं है, पर हमें क्या, हमें तो चप्पल लेनी है और निकलना है बस यहाँ से। यार कुछ खा भी लूँगी, भूख सी लग रही है क्योंकि। गाइस यहाँ से देख रही मम्मी मेरे चप्पल, भाई पैसा है भाई। मम्मी ये भी अच्छी लग रही है, कत्तो अच्छा पसंद है वाली, पर ये हार्ड है इसका सोल। अरे डाल के देखो भाई, अभी गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है। आ जाओ भैया देख लो, किसी को ये वाली पहनो, डॉक्टर बताया। अरे पैर डाल दो यहाँ से, आ रहे हो पैर भी हो रही है, बच्चे काम नहीं हो यहाँ जो अकेले के नहीं मैं आपको दियो तो डाल कैसे काम कर। मम्मी की चॉइस ना इतनी ज़्यादा गंदी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो चप्पल ली हुई है जो मैंने वॉशरूम में रखी हुई है, सेम डिट्टो। मैंने बोला भी वॉशरूम चप्पल ले रही हो, कह रही कोई नहीं मेरी पसंद है। जो भजनपुरा वो जानते होंगे, समोसा मिलता है तो बहुत ही अच्छा। इस बारिश आने वाली है गाइस, हम मार्केट में थे और मार्केट में आ गई तेज़ वाली बारिश। अभी हमें जाना है रिलायंस फ्रेश, जल्दी से पहुँचते हैं। वॉक ही नहीं है वैसे तो, पर बारिश तेज़ है यार, मेरी भीगी गई अब तो। गाइस हम रिलायंस नहीं गए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई है गाइस। यहाँ तो फिर भी कम है, खैर यहाँ तो गली है तो इतना पता नहीं चल रहा। पर हमने सोचा कि यार भीगते में आएंगे, हाथों में सामान होगा, फिर क्या होती है। फिर हम वहाँ नहीं गए, रिलायंस नहीं गए, हम डायरेक्ट घर आ गए। मम्मी यहाँ पे हल्की है ना बारिश, हाँ बादल गरज रहे हैं। तो गाइस चलिए घर चलते हैं, हम सिर्फ एक फुटवियर लेकर आए हैं। इसमें घर पे आ चुकी थी, मैंने मुंह को धो लिया और हमारे बाहर से आए हैं फूड चाट वाले, फूड चाट बनवा रहे हैं। बोल दे गाइस, ये देख गाइस बारिश देखो, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है भाई साहब। और न्यू हेयर कट गाइस कमेंट सेक्शन में बताना, इसके बियर्ड बियर्ड कैसी लग रही, उस तरह लगवा के आया आज। इसको ना बारिश बहुत पसंद है बट तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, मतलब गीले से बिस्तर में आएगा, तो हमने यहाँ ताला मार दिया। देखो ये वेट कर रहा है।
दिन में बनाई है मम्मी ने अभी एक दाल, ये पीली वाली दाल है, और यहाँ बन रहे हैं हमारे चावल। हम गाइस खाते हैं हम खाना, मेरा खाना। आप मेरे एक दाल देखिए कितनी लाजवाब हो रही है। भैया टीन खोल दे, एक बजे खा रहे हैं गाइस हम। तो फ्रेंड्स मैं सो गई थी जब आपने देखा कि मैं ऊपर गई थी, और अब 5 बजे मैं उठ गई हूँ। अभी भी बाहर धीमी धीमी बारिश लगी हुई है, बट मुझे कहीं जाना था बर्थडे पार्टी में। अब समझ नहीं आ रहा गाइस, बारिश वैसे मीठी मीठी वाली बारिश है, ज़्यादा तेज़। गाइस मेरे घर वालों का मानना ये है, अगर मैं मतलब जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनका मानना ये है कि मैं हेड ऑफ दी ग्रुप हूँ। अगर मैं नहीं गई तो वहाँ वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। आज बर्थडे है तो मम्मी कह रही है कि तेरे बिना वहाँ पे केक भी कट नहीं होगा। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। क्या कहे, सभी के पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ मेरे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि ये लोग भी पढ़ सकें, मेरी मम्मी पापा भी, कि ऐसा नहीं होता। आपके पेरेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अपनी प्रॉपर्टी में। और यहाँ मेरे बाल सेट नहीं हो रहे यार गाइस, कुछ बताओ मेरे बालों के लिए मैं क्या करूँ अपने बालों में। फ्लफीनेस सी हो रही है, पता नहीं, जब कहीं जाना होता है तब भी होते हैं, अदरवाइज तो बहुत सिल्की रहता है। बाहर बहुत ठंडा सा लग रहा है यार, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। अभी देखते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है, अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हमने हेल वगैरह और मोमोज वगैरह खाए थे, मैंने शूट नहीं करा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं व्लॉग में लूँ। पेरेंट्स वगैरह भी देखते हैं ना, फिर व्लॉग ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो अभी खाना भी नहीं खाया, अभी तो वैसे 10 ही बज रहे हैं, क्या ही खाना खाए इतनी जल्दी। तो ये है, मैं अगर कहीं बाहर जाएंगे तो मैं चेंज करूँगी, अदरवाइज मैं यही अपने कपड़े पहनूंगी। ये ब्लैक कलर का टॉप ऑफ शोल्डर है, बट मैंने अभी नॉर्मल करा हुआ है, और पहनी है मैंने नीचे अपनी डेनिम। ठीक है, बाय। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी मैंने अपनी हेयर ऊपर नहीं करे क्योंकि ना बात नहीं करूँगी वहाँ पहुँच के, और 11 बज रहे हैं। मैं एक बार आपको अपना फुल आउटफिट दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है मेरा फुल आउटफिट, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगे। और ये मेरे शूज, ये गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और रश बहुत ही ज़्यादा है। मेरा कैमरा गंदा हो रहा है गाइस, नहीं यार गाइस वो रात की वजह से हो रहा होगा शायद। गाइस रात के बज गए हैं 3, यहाँ सब बंद हो गया है, लास्ट एंट्री, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, लास्ट नाइट सीन भी लाइक मैं घर नहीं जाऊँगी, तेरे की मैं घर नहीं जाऊँगी। 3 बजे लास्ट होता है यहाँ पे, सब एंड हो गया, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बहुत इंजॉय करा हमने। मॉर्निंग गाइस, तो उठ चुकी हूँ मैं, टाइम हो रहा है 10:30। उठ मैं 10 बजे गई थी, 10:30 बजे तक फिर मैंने नहा लिया था, और अब यहाँ से जाने की तैयारी है, बस ब्रेकफास्ट आने वाला है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर यहाँ से बाय बाय कर देंगे, फिर चलेंगे सीधा अपने घर पे। ब्लॉग शूट कुछ हुआ नहीं यार, क्योंकि वो थे ना सब कॉपीराइट के म्यूजिक्स थे, तो इसी वजह से कुछ हुआ नहीं। और कल रात को, आज तो मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई है, सुबह हम लोग 4 बजे सोए और 9 बजे उठ गए, 9:30-10 बजे तक। घर जाकर सोऊंगी, नींद आएगी बहुत गंदी वाली। अब हे गाइस कैसे है आप सब, ये मेरा सेम व्लॉग ही है। मैं मॉर्निंग में घर आ गई थी 11:30 में भी, 11:30 फिर आते ही मैंने कपड़े वगैरह धोए, फिर मैंने ब्रेड और बटर खाया। तो गाइस फिर मैं सो गई थी यार, मतलब आज रात को मैं 1 या 2 घंटे सोई हूँ, 5-6 बजे के आसपास जो भी सोई होंगी।
और सुबह उठ गई थी तो बॉडी पेन, सर में दर्द, वो नींद की वजह से हो रहा और ये भौंक रहा है। चुप। बाहर से सिवर का काम चल रहा है ना, तो वो खुदाई वगैरह हो रही है और अब जाके मेरी नींद मतलब अभी भी पूरी नहीं हुई है, बट अब भूख लग गई है। मम्मी ने बनाई है दाल और सब्जी, तो मेरा ना दाल खाने का मन नहीं है, दाल और चावल, तो मैंने ब्रेड बटर और चाय बना के लेकर आई हूँ मैं। गाइज ये मेरा ब्लॉग 2-3 दिन से शायद चल रहा है और मेरे को रैप अप करने का नहीं हो पा रहा है यार गाइज। और बताइए आप सब, देखो मेरी ब्रेड ये रही, चाय मेरी ये रही। गाइज सुबह से सर में दर्द हो रहा है यहाँ पे ना, बाहर से सीवर का काम चल रहा है तो वो मतलब मशीन चल रही है दुर 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 बहुत तेज, वो अलग दर्द कर रही है सर में। चलो गाइज पहले मैं खा लूँ यार। अभी दूध पी के बैठा है ये लड़की, आई है मॉस्कोल से थ्रेडिंग करवाने के लिए। भाई ये मोटी हो गई है यार, हद होती है मोटापे की भी। गाइस आज मैंने अपने आईब्रो की शेप चेंज करा दी है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी है। देख यहाँ पर तू दिया अपनी भी देखा शेप, हम लोग 1 महीने बाद मिले बिछड़े हुए दोस्त। चलो गाइस बाय। गाइस मुझसे किसी ने बोला कि तेरी आईब्रो पतली हो गई है, तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लग रहा है? जैसे मुझे मेरा फेस आज कुछ अलग सा लग रहा है, तो आप लोग भी बताना है। अगर मैं छत पे आई हुई थी थोड़ा टहलने के लिए और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा सा हो रहा है, मतलब ठंडा टाइप का, मतलब सर्दियों के टाइप का मौसम हो रहा है और आज संडे है तो हमारे यहाँ बाज़ार वगैरह लगी हुई है। गाइज आज का ब्लॉग बस यही है, बहुत छोटा सा ब्लॉग है, आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय जी गाइज, राम राम जी, अल्लाह हाफिज़।